बस्ती में पांच दोस्तों को सेल्फी का जुनून इस कदर भारी पड़ गया कि उन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दरअसल बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले माझा खुर्द चौकी से 500 मीटर दूर सरयू नदी में पांच दोस्त नहाने गए थे। इसी दौरान सेल्फी लेने के चक्कर में दो छात्र नदी के तेज बहाव में डूब गए, जबकि तीन छात्र किसी तरह बाहर निकल आए। शोरगुल सुनने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने गोताखोरों की मदद से छात्रों की तलाश शुरू की, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। टोटल पांच लोग नहा रहे थे, एक लोग खड़े थे, तो मौके पे मतलब आपके साथी जो है वो नदी में डूब गए हैं। कहाँ घर है आपका? फरुखाबाद। तो यहाँ क्या करने आए थे आप? यहाँ पे ऐसे घूमने, मतलब घूमने आए थे। सभी छात्र अम्बेडकर नगर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज के बताए जा रहे हैं। वहीं मृतक इंजीनियरिंग छात्र देवेश और तरुणेश लखनऊ और हापुड़ जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये करीब छह बच्चे थे जो कि दो मोटरसाइकिलों से आए थे और सरयू घाट पे कलवारी थाना अंतर्गत वो नहाने के लिए गए थे। इनमें से पांच बच्चे नदी में गए, जिनमें से दो बच्चे नदी के बहाव में और वहाँ पे गहरा होने के कारण जो है उसमें डूब गए और तीन बच्चे तैर करके जो है बाहर निकल आए थे। एक लड़का जो है वो नहाने के लिए गया ही नहीं था, वो बाहर ही जो है खड़ा रहा। और ये सभी बच्चे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले थे, ये हापुड़ और लखनऊ और अन्य जगहों के रहने वाले बच्चे हैं। और इनके बारे में ये मालूम हुआ कि वहाँ पे बिल्कुल सुनसान रहता है और ये यदा कदा जो है आते हैं और नदी में जो है स्नान करने के लिए पहले भी जो है जाते रहे। फिलहाल पुलिस छात्रों की तलाश में ऑपरेशन के तहत काम कर रही है, लेकिन एक बार फिर सेल्फी के चक्कर में जान जाने के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर लोग क्यों फोटो के लिए इतना रिस्क लेते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बस्ती से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।